गोदरेज कंज्यूमर। इंडिया के अंदर गोदरेज कंज्यूमर एक लीडिंग कंपनी के हिसाब से जाना जाता है एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, और पिछले 10 सालों में गोदरेज कंज्यूमर अपना शेयर प्राइस को 10 गुना कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि गोदरेज कंज्यूमर के ऊपर एक टारगेट जो दिया गया है वो बहुत ही हैरान करने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि वो टारगेट क्या है और इसके पीछे का क्या क्या रीजन यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टारगेट देख लीजिए, रिसेंट कंडीशन में गोदरेज कंज्यूमर का शेयर 900 के आसपास चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो टारगेट दिया गया है वो दिया गया है 1718 का, जो करीब करीब 80% से भी ज्यादा यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही चौंकाने वाला एक टारगेट यहाँ पे दिया गया है गोदरेज कंज्यूमर के ऊपर। तो ये टारगेट दिया गया है मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, जो एक इंडियन ब्रोकरेज फर्म है, और इसका जो टारगेट दिया जाता है वो 50-70% अचीवेबल हो जाता है। लेकिन गोदरेज कंज्यूमर के ऊपर जो यहाँ पे टारगेट दिया गया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या रीजन यहाँ पे बताया गया है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा। तो यहाँ पे सबसे जो पहला कारण यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल के द्वारा कहा गया है वो है क्लीनलीनेस के ऊपर मूवमेंट। इंडिया के अंदर स्पेशली कोविड के बाद हाउसहोल्ड मार्केट के अंदर क्लीनलीनेस के ऊपर मूवमेंट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसके चलते गोदरेज कंज्यूमर शेयर के ऊपर ये जो टारगेट है वो अचीवेबल लग रहा है मोतीलाल ओसवाल को। उसी के साथ साथ दूसरा जो कारण यहाँ पे दिया गया है वो है हाउसहोल्ड क्लीनिंग जो प्रोडक्ट है उसका उसके अंदर सेल बहुत ही यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहा है, और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि हाउसहोल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट के अंदर ये जो सेल हाई का ये कंटिन्यू ये चलता रहेगा, क्योंकि वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है इंडिया एज वेल एज ग्लोबल मार्केट के अंदर। तो ग्लोबल मार्केट में भी गोदरेज कंज्यूमर का प्रोडक्ट सप्लाई होता है। तीसरा जो रीजन यहाँ पे दिया गया है वो है हेयर कलर बिजनेस के अंदर गोदरेज कंज्यूमर बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और जब बात हेयर का आता है तो एवरीवन प्रेफर ब्रांडेड कंपनी, और गोदरेज कंज्यूमर एज अ हेयर प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट ये बनाता है। तो उसी के चलते गोदरेज कंज्यूमर जैसे कंपनी को हेयर प्रोडक्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि गोदरेज कंज्यूमर का हेयर प्रोडक्ट के अंदर अच्छा खासा शेयर यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा शेयर यहाँ पे जनरेट करते हैं। उसी के साथ मोतीलाल ओसवाल का ये भी कहना है कि डबल डिजिट जो ग्रोथ है वो मेंटेन हो सकता है गोदरेज कंज्यूमर के अंदर। इवन आप बैलेंस शीट की बात करें गोदरेज कंज्यूमर के अंदर, इवन फंडामेंटली की बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इवन कैश की मामले में भी कंपनी स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे कारण के चलते मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि आगे आने वाले एक साल के अंदर गोदरेज कंज्यूमर का शेयर का प्राइस 1700 से भी ज्यादा आप देख सकते हैं। अगर आप गोदरेज कंज्यूमर को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी का शेयर प्राइस हुआ करता था 2000 रुपीज के आसपास, वो बढ़ते हुए 2000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे सेल बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 11000 करोड़ तक पहुंच गया है मार्च 2021 में। उसी के साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी अच्छा उछाल दिखाई देता है। नेट प्रॉफिट जो जहाँ पे 340 करोड़ का हुआ करता था मार्च 2010 में, वो बढ़ते हुए 1700 तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का मार्जिन की बात करें तो कंपनी का मार्जिन बहुत ही स्टेबल है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि रिसेंट कंडीशन में कंपनी यहाँ पे मार्जिन थोड़ा सा सुधार दिखाई दिया है, वहाँ पे 22% से लेके 21% ऐसा बैलेंस करके कंपनी चल रहा है। अगर कंपनी के अंदर बोरोइंग्स की बात करें, कर्जा की बात करें, तो कंपनी के अंदर कर्जा थोड़ा सा है जो 2200 करोड़ के आसपास है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व कैश 10000 करोड़ से भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो करीब करीब 100000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप रिसेंट कंडीशन में दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही पॉजिटिव बात है। अभी FIS होल्डिंग की बात करें यहाँ पे, तो FIS होल्डिंग के अंदर यहाँ पे करीब करीब 26% से भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और DIS सितंबर में थोड़ा सा हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाया है जो 4.60%, और जो आपका प्रोमोटर्स का होल्डिंग है वहाँ पे स्टेबल दिखाई दे रहा है, 63.22% का प्रोमोटर्स का होल्डिंग यहाँ पे है। तो अगर आप गोदरेज कंज्यूमर शेयर के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद आपको निवेश करना चाहिए। हालांकि ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो सही प्राइस मिलने पे आपको इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशन को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि रिसेंट कंडीशन में कंपनी का PE है 52 और 5 साल का मीडियम PE देखेंगे तो है 40 के आसपास। तो वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए आपको निवेश करना चाहिए। तो आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.